हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जिसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, उसको अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आप मेरी जो ऐप है इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट देती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है दो चीजों से बना हुआ है, प्रबंध तथा अर्थशास्त्र। इसी तरह जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है उसको व्यवसायिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्यवसाय में आर्थिक सिद्धांत और कार्य प्रणाली का प्रयोग है। देखो, जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है, जिसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर हम बहुत सारे सिद्धांत और जो धारणा है उसको सीखते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र हमें बताता है कि किस तरह से हम उन सिद्धांतों को, उन धारणाओं को जो बिजनेस के अंदर हम समस्याएं फेस करते हैं वहां पे उसका किस तरह से प्रयोग करना है। तो देखो, यहाँ पे जो प्रबंधकीय का मतलब होता है निर्णय लेना। निर्णय लेने का मतलब है क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि साधन सीमित होते हैं, लेकिन उनके जो है विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनमें से हम सही विकल्प चुनते हैं। तो जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है, जिसका काम जो है निर्णय लेना है और भविष्य की योजना बनाना है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक जैसे हैं, इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो ज्यादा पॉपुलर हो गया है। प्रबंधन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो पहले से ही हमने लक्ष्य जो है निर्धारित कर रखे हैं, उनकी योजना बनाते हैं, किस तरह संगठन के अंदर हम तालमेल बैठाते हैं, किस तरह से लोगों को निर्देशन देते हैं, अभिप्रेरणा देते हैं, लोगों के जो काम होते हैं उसको नियंत्रण करते हैं। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र औपचारिक रूप से समूहों के संगठित व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मिलजुल कर काम करने की कला है। देखो, मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि हम दूसरों से किस तरह से काम लेते हैं। प्रबंध के अंदर देखो हम तालमेल किस तरह से बैठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, उनमें तालमेल बैठाना। और यहाँ पे ये जो एक्टिविटी होती है, क्रिया होती है, वो देश के साथ होती है, और ये जो प्रक्रिया होती है सब जगह पे अप्लाई होती है। देखो, जो प्रबंधक है वो खुद कार्य नहीं करता, उसका कार्य होता है कि दूसरों व्यक्ति के द्वारा काम को संपन्न करवाना। अर्थशास्त्र जो है आवश्यक रूप से तर्क संगत निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का इष्टतम प्रयोग करने के उपकरणों और तकनीकों का अध्ययन है। देखो, जो अर्थशास्त्र है, जिसके अंदर हम ये अध्ययन करते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं है होती हैं असीमित होती हैं, लेकिन जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, और साधन जो सीमित होते हैं उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। तो ये जो साधन सीमित हैं उनको हम जो असीमित इच्छाएं होती हैं उसके अंदर किस तरह से उनका आवंटन करते हैं ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले, ताकि उनका इष्टतम प्रयोग हो, तो उसको हम अर्थशास्त्र कह देते हैं। उसी तरह जो बिजनेस के अंदर एक प्रबंधन होता है, जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, उसको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये जो निर्णय होते हैं भविष्य के साथ जुड़े होते हैं, इनमें जोखिम होता है। तो प्रबंधन को अनिश्चितता और जोखिम के तहत बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्रबंधन शब्द जो है प्रबंधन के काम को बताता है। प्रबंध का जो मुख्य काम है वो निर्णय लेना है और आगे की योजना बनाना है। प्रबंध के अर्थशास्त्र से मतलब व्यावसायिक फर्मों और अन्य संस्थाओं की क्रियाओं में आर्थिक स्थान विश्लेषण के प्रयोग से है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए आर्थिक विधियों का प्रयोग करता है। देखो, जो अर्थशास्त्र है वो हमें आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक विधियों के बारे में बताता है, और प्रबंधकीय अर्थशास्त्र हमें बताता है कि जो बिजनेस के अंदर हम समस्याएं फेस करते हैं वहां पे हम अर्थशास्त्र के अंदर जो सीखते हैं उनका प्रयोग किस तरह से करते हैं, जो व्यावसायिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको हम किस तरह से अर्थशास्त्र के माध्यम से सुलझाते हैं।
प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वो शाखा है जिसका संबंध व्यवसाय प्रबंधन में आर्थिक सिद्धांतों के प्रयोग से है। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र और बिजनेस के बीच में एक कड़ी का कार्य करता है, क्योंकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र निर्णय लेने के लिए आर्थिक सिद्धांत और जो मात्रात्मक तरीके होते हैं उनका प्रयोग करता है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि जो आर्थिक सिद्धांत है जिसके अंदर हम डाटा जो है अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में इकट्ठा करते हैं, तो स्टैट जो है उनके अंदर जो है रिलेशनशिप बताता है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। से क्या होता है कि हम इनका प्रयोग करते हैं डिसीजन लेने के लिए। देखो जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स है इसके अंदर क्या है कि जैसे हम माइक्रो और मैक्रो, ज्यादातर जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इसके अंदर जो हमें अलग अलग प्रॉब्लम फेस करती है, फिर उसके अंदर हम वेरियस जो है टूल्स और इकोनॉमिक्स की थ्योरीज वगैरह अप्लाई करते हैं ताकि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल सके। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स को हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि जो आर्थिक अवधारणा है निर्णय के लिए रूपरेखा क्या है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, फर्म का सिद्धांत, बाजार संरचना और मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, फिर जो प्रबंधन जो बिजनेस के अंदर समस्याएं फेस करता है कि उत्पादन की कीमत किस तरह से निर्धारित करनी है, कितनी मात्रा बनानी है और जो चीजें हैं वो बनाए या खरीदे, उत्पादन तकनीक क्या है, स्टॉक का स्तर क्या है, विज्ञापन देना, श्रमिकों को किराए पर लेना, उनको प्रशिक्षण देना, निवेश और वित्त को हैंडल करना, और जिसके लिए हम क्या करते हैं कि निर्णय विज्ञान, उपकरण और तकनीक के स्टैटिस्टिक्स और गेम थ्योरी, और जिसके अंदर हम उनका विश्लेषण करते हैं। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र निर्णय समस्या को हल करने के लिए आर्थिक धारणाओं, निर्णय विज्ञान का उपयोग करता है ताकि हमें सर्वोत्तम उपाय जो है मिल सके। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है जिसके अंदर हम प्रबंधन निर्णय समस्या जो संबंधी जो समस्याएं होती हैं वहां पे हम आर्थिक सिद्धांत, व्यष्टि तथा समष्टि, और उसी तरह हम गणित, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, व्यवसायिक समस्याओं को हल करने के लिए आर्थिक सिद्धांत और उपकरणों का हम उपयोग करते हैं ताकि जो समस्या है उसका सर्वोत्तम उपाय ढूंढ सके। जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है उसकी जो मेन विशेषताएं हैं, देखो जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति होती है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। इसके अंदर एक व्यवसायिक फर्म जो है, इंडस्ट्री जो है, अपनी समस्याओं को विश्लेषण करती है। प्रबंध का अर्थशास्त्र व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक का मतलब है कि जो चीजें हम सीखते हैं उनको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो ये निर्णय लेने के लिए जो विशेष वातावरण उस वक्त है उसको ध्यान में रखता है। ये मुख्य रूप से वो धारणा है, सिद्धांतों का प्रयोग करती है जिसे फर्म का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। देखो इसका संबंध पॉजिटिव अर्थशास्त्र से ना होकर अदृष्टमिक होता है, जो हमें बताता है कि चीजें इस तरह से होनी चाहिए। पॉजिटिव होता है जो चीज जैसे है उसका वैसे ही विवरण करता है। ये प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो है डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव के साथ ये उसको प्रिस्क्राइब भी करता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें वातावरण को जानना भी जरूरी होता है। सरकार की क्या पॉलिसीज है, किस तरह का व्यापार चक्कर चल रहा है, किस तरह की राष्ट्रीय आय है, किस तरह की सरकार आर्थिक नीतियां हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र भी हम यहाँ पे उसकी भी अवहेलना नहीं करते, उसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो प्रबंधक के अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है ये एक व्यवहारिक आर्थिक सिद्धांत है, क्योंकि इसके अंदर जो हम सीखते हैं अर्थशास्त्र के अंदर उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो ये एक व्यवहारिक अर्थशास्त्र है। आर्थिक सिद्धांतों और नीतियों को कार्यक्रमों के निर्माण में कैसे लागू किया जाता है, प्रबंधन के लक्ष्यों को किस तरह से प्राप्त करता है, और उसी तरह वर्णात्मक घटना का निरीक्षण करता है, सिद्धांत तैयार करता है, कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करता है, आर्थिक व्यवहार को सामान्य और भविष्यकारी करने में सहायक होता है। तो ये चीजों को जैसे है वैसे ही बताता है, लेकिन उसके साथ ये निर्देशात्मक भी है, क्योंकि ये विशिष्ट प्रबंध के निर्णयों के परिणाम की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मतलब होता है होने की बजाय क्या होना चाहिए, और उसी तरह इसके अंदर जैसे सांख्यिकी, मैनेजमेंट, परिचालन अनुसंधान, गणित, अर्थशास्त्र और मनोवैज्ञानिक जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित इंफॉर्मेशन आती है,
और ये व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि संभावित कारण और प्रभाव के बारे में व्यवस्थित तरीके से सिद्धांत तैयार करता है। ये सामाजिक विज्ञान है, उसको ढांचा प्रदान करता है, इसे कैसे लागू करना है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है उसका क्षेत्र क्या है। इसका दायरा बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें व्यापार में वास्तविकता में हमारे सामने आने वाली समस्याओं के लिए हम आर्थिक जो धारणा है, आर्थिक जो सिद्धांत, आर्थिक जो नीतियां हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो ये जैसे हमारे पास जो साधन होते हैं सीमित होते हैं, उनको हमने किस तरह से बंटवारा करना है ताकि हमें इष्टतम बनवाना है। जैसे जो हमारे पास स्टॉक है उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हमने कीमत का निर्धारण करना है, और इस तरह जो से निवेश संबंधी समस्याएं आती हैं वहां पे हमने निर्णय किस तरह से लेना है। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान। देखो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं मांग को निर्धारण करने वाले तत्व कौन से है। फिर देखो कोई भी चीज उत्पन्न करने से पहले हम देखते हैं मांग का पूर्व अनुमान लगाते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। उसी तरह जब हम डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं तो मांग के सिद्धांत को भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम उपभोक्ता के व्यवहार को भी स्टडी करते हैं। उपभोक्ता जो है खरीदने या न खरीदने का निर्णय कैसे लेता है, कौन से तत्व है जो उसके खरीदने के जो निर्णय होते हैं उसको प्रभावित करते हैं, कितनी मात्रा में लेता है, कीमत और रुचियों आदि में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है। तो प्रबंधकीय योजना के लिए मांग का पूर्व अनुमान लगाना भी जरूरी होता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर किस तरह की डिमांड हो सकती है, किस तरह की कंज्यूमर के टेस्ट हो सकते हैं। कि अगर हमने मांग का पूर्व अनुमान सही से लगा लिया तो हमारी बाकी के जो निर्णय होते हैं वो सही हो जाते हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन, उत्पादन और उत्पादन निर्णय का सिद्धांत, इसे फर्मों के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो फंक्शनल रिलेशन है, कार्यात्मक सिद्धांत है कि इतना इनपुट यूज करेंगे तो इतना आउटपुट निकलेगा, अधिकतम आउटपुट के लिए हमें कितना इनपुट यूज करना चाहिए। और उसी तरह हमें ये बताता है कि जो अल्प काल है उसके अंदर रिटर्न टू फैक्टर्स क्या है, लॉन्ग टर्म के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, और उसी तरह हमारा जो प्लांट है उसका इष्टतम आकार क्या होना चाहिए, पूंजी और श्रम की जो है मात्रा कितनी होनी चाहिए क्योंकि वो कुल उत्पादन की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। लागत विश्लेषण, इसके अंदर हम देखते हैं लागत का निर्धारण, लागत का अनुमान लगाने की कौन सी विधियां हैं, क्योंकि लागत मात्रा जो है उत्पादन कितना है, लाभ का विश्लेषण, और उसी तरह लागत को वर्गीकरण किया जाता है, और उसी तरह उत्पादन फलन और पैमाने की बचतों के साथ उनका संबंध क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। उत्पादन नियोजन में साधनों का बंटवारा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब हम इष्टतम परिणाम चाहते हैं और उत्पादन साधनों और उनके प्रयोग के विभिन्न समस्याओं संभावनाओं का अध्ययन करते हैं ताकि उत्पादन साधनों को हम सही ढंग से जो है उसका जो है यूज कर सकें। साधनों को इकट्ठा किया जाता है, उसके अंदर उत्पादन प्रोग्रामिंग, यातायात व संचार का विश्लेषण भी शामिल होता है। साधनों का इष्टतम बंटवारा हो वो सबसे एक मेन मुख्य फैसला होता है। और उसी तरह साधनों का आवंटन, जैसे उत्पादन नियोजन के अंदर साधनों का बंटवारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि साधन सीमित होते हैं, साधनों को हमने किस तरह से प्रयोग करना है ताकि हमें इष्टतम जो है रिजल्ट निकले। उसी तरह बाजार संरचना और कीमत निर्धारण सिद्धांत का विश्लेषण, कि जैसे मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, कीमतें अलग अलग बाजार स्थितियों के अंदर निर्धारित की जाती है। फर्मों की कीमत नीति क्या है, फर्म के मूल्य सिद्धांत क्या है, उत्पादन सिद्धांत इष्टतम आकार का निर्धारण करने में सहायक होता है, प्रतिस्पर्धा है तो वो कितनी है, अगर उस सिचुएशन के अंदर हमने उत्पाद की कीमत किस तरह से निर्धारित करनी है, और उसी तरह जो दूसरे विक्रेता है वो क्या प्राइस रख रहे हैं, और उसी तरह गैर मूल प्रतिस्पर्धा को भी हम स्टडी करते हैं। कीमत निर्धारण में कीमत निर्धारण के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से अलग अलग कीमतें रख सकते हैं, कीमत रेखा, कीमत निर्धारण और कीमत का पहले से हम पूर्व अनुमान किस तरह से लगा सकते हैं। विज्ञापन, देखो अब जो
होता है कि विज्ञापन, इनके विज्ञापन से हम लोगों को बताएंगे कि हम इस तरह की जो उत्पादन है वो बेचते हैं, इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो विज्ञापन जो होता है निर्णय लेने और आगे की योजना बनाने का एक अभिन्न अंग है। विज्ञापन का बजट बनाना, मीडिया की योजना बनाना, और जो हम विज्ञापन करते हैं उस पे क्या लागत आएगी, हमें क्या लाभ मिलेगा, विज्ञापन किस तरह का होना चाहिए वो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र हमें बताता है। क्योंकि उत्पादन करना एक बात है, लेकिन बाजार को कैप्चर करना दूसरी बात है। बाजार के अंदर हम विज्ञापन के माध्यम से ही कैप्चर कर सकते हैं, और विज्ञापन की कॉपी तैयार करते हैं, लागत और बजट निर्धारित करते हैं, और किस तरह से अगर हम विज्ञापन करते हैं तो उसपे खर्चा कितना होगा, उसपे हमें लाभ कितना मिलेगा। निवेश की समस्या है, देखो जो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर निवेश की समस्याएं भी शामिल होती हैं। साधनों को इकट्ठा करना, उन्हें उचित मार्ग में डालना प्रबंध के लिए निर्णय की समस्या है। निवेश का विश्लेषण, ब्याज की दर कितनी है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता क्या है, इन सारी चीजों के बेसिस पे क्या होता है कि निवेश किया जाता है। उसी तरह लाभ विश्लेषण और लाभ प्रबंधन, आधारभूत रूप से दीर्घकालीन में हर फर्म जो होती है अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है। देखो जब लागत तथा आय में परिवर्तन आती है तो निष्ठा उत्पन्न होती है, जिसके लिए लाभ का उचित प्रबंध करने की आवश्यकता होती है। लाभ का प्रबंध करने के लिए भविष्य के बारे में पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। लाभ की प्रकृति क्या है, लाभ को किस तरह से माप सकते हैं, लाभ की योजना बनाते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा कब होगा, तो वो सारी चीजों का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। हम अंत में ये कह सकते हैं कि पूंजी अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, पूंजी प्रबंधन और बजटिंग, पूंजी व्यवसाय की नींव है, निवेश परियोजना का चयन करना, पूंजी की दक्षता का आकलन करना। देखो यहाँ पे जो क्षेत्र है कि पूंजी का किस तरह से हम प्रबंध करते हैं, किस तरह से बजट बनाते हैं, बिना पूंजी के हम बिजनेस को शुरू ही नहीं कर सकते। और पूंजी जब हमने लगानी है तो जो जो हमारे पास निवेश के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका चयन करते हैं, देखते हैं कि हम इतना पैसा लगाएंगे तो इतना हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा। और हम ये भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम अवैल्यूएशन करते हैं। पूंजी का प्रबंध करते समय प्रबंध को पूंजी उत्पादन उत्पाद, पूंजी की लागत, हमें वार्षिक दर के अंदर कितना प्रतिफल मिलेगा, उन सारी चीजों को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो हम संकेत में ये कह सकते हैं कि जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र है, जिसके अंदर हम मांग उसका पूर्वानुमान का अध्ययन लगाते हैं, उत्पादन और उत्पादन निर्णय का सिद्धांत, लागत का विश्लेषण, समस्थिति विश्लेषण, पूंजी प्रबंधन और बजटिंग, कीमत निर्धारण, लाभ विश्लेषण और लाभ प्रबंधन, फर्म या कंपनी के उद्देश्य, जिसके अंदर हम सीमित साधनों का किस तरह से इष्टतम बंटवारा करते हैं।